एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको झंडू ब्रांड के ब्रेंटोफोर्ट टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि यह औषधि आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो कई झंटू ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस न केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाता है और लोग बाग इस ब्रांड से बहुत अच्छे से अवगत भी हैं। और इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है। तो चलिए गाइस आज अपन इसी ब्रांड के ब्रेंटोफोर्ट टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये गई जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है जिसको झंडू ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये औषधि मार्केट में आपको टैबलेट की फॉर्म में मिलती है जिसका उपयोग आपके माइंड से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। माइंड से संबंधित समस्याएं जैसे कि आपके मानसिक कमजोरी को दूर करने, दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज बनाने में ये औषधि काम में लाई जाती है। दिमाग को तेज बनाने के लिए ये औषधि काम में लाई जाती है। इसके अंदर जो इंग्रीडियंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं बल्कि आपकी जो माइंड से संबंधित जो भी समस्याएं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, याददाश्त में सुधार करता है, जो आपकी एकाग्रता की कमी है उसको सुधारने में मदद करती है। तो चलिए अपन इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। इसके अंदर गई इंग्रेडिएंट के रूप में अश्वगंधा, भ्रामरी, ज्योतिषमती और शंख पुष्पी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपकी माइंड से संबंधित सभी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करते हैं, जो भी आपकी एकाग्रता की कमी है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। ये औषधि गई आपको दिन में दो बार लेनी होती है, खाना खाने के बाद, या फिर आप डॉक्टर की सहायता से भी इसकी खुराक को निर्धारित कर सकते हैं। गई अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गई हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को तो किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ औषधियों में हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हानिकारक साइड इफेक्ट दे सकते हैं। रिसर्च के आधार पर इसके गाइस कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको इसका कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए खुराक से ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और गाइज आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसकी साइट पर जाके इसको खरीद सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइज आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। इसके अंदर जो भ्रामरी प्रेजेंट होती है जो आपकी मेमोरी को एकदम तेज बनाने का काम करती है, मेमोरी बूस्टर के रूप में ये औषधि काम में लाई जाती है, जिसको आपको दिन में दो बार लेना होता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको इसका कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए खुराक से ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइज बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइज दिमाग से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, माइंड की कमजोरी को दूर करने के लिए, एकाग्रता की कमी को बढ़ाने के लिए, या फिर आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज बनाने के लिए रामबाड़ औषधि लेके आइए, जो आपके डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, चिंता या फिर आपके दिमाग संबंधी सभी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करती है। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।